और प्लीज मेरे तीनों भाई बहनों सुन लो, मैं तुम लोग को पहले भी समझाता था कि तुम सबका इस्तेमाल हो रहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि तुम सबका इस्तेमाल हो रहा है। बड़े भाई से भी कह रहा हूँ, बहनों से भी कह रहा हूँ, तुम लोग को थोड़े, जैसे पिताजी ने जब शादी करी थी तुम लोग को मेरे लफ्ज याद होंगे कि मैंने गाइस इन लोगों को बोला था अपने घर वालों से कि तुम लोगों ने ये बवाल कर तो लिया है, जो शादी करी है इसका रंग तुम्हें 6 महीने बाद ही दिख जाएगा कि ये औरत किस कैटेगरी की। तो 6 महीने भी कहाँ बीतने दिए उसने, सारा सिस्टम ही हैंग कर डाला। वो तो अब चापलूसी कर रहे हैं बस हाँ, उसके साथ अब रह के। मजबूरी हो गई है मेरे भाई हाँ बहनों की, मेरे भाई की, कि भाई उसको माँ नहीं कहेंगे तो बाप असली जो है वो जो अजितेश के साथ करा वो उन तीनों के साथ कर देगा, है ना। एग्जैक्टली अब वही है ना कि आज के टाइम में बाप ना बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो चीज कहीं ना कहीं सच है। तो वो लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, बाकी जो नफरत कर रहे हैं हमसे, जो प्यार कर रहे हैं, वो तुम लोग इतने तो समझदार होगे कि अगर हमें धन दौलत से प्यार होता या साक्षी को होता तो ना हम अपने बाप से बिगाड़ते, ना ये अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ मैं छाड़ के व्हाइट आते। हाउस पे, मेरी तबीयत खराब हो गई। व्हाइट हाउस यो यो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुम्हारा घर व्हाइट हाउस बता देता तो तुम्हारी शादी से पहले नियत खराब हो जाती। है? ये भी सही यार कह रहे हो, मेरे पता लगे मेरा परिवार भी गाइस मेरे साथ सारी चला बातें था। ठीक है, ये लोग जो लिखवा रहे हैं सही है, लेकिन इस तरीके से कि कब्जा कर रखा है, नियत खराब हो गई। शर्म कर लो, शर्म, समझ में आई? नियत तो तुम अगर लोग अब की भी खराब कुछ थी। थोड़ा बहुत हो ना शर्म लिहाज, और बिरादरी को पूरा तुम बरगला रहे हो उल्टा सीधा, कोई बात नहीं, और करते जाओ, बिरादरी वाले भी हो, तुम्हारे बहुत सारे धन्य है लोग धन्य है। हैं। अरे वो तो तुम्हें वैसे ही देख रहे हैं ना कि बंजारों में पंडित हो गई आ गई, तो उस नजर से देख रहे हैं तुम्हें, सबको बुरी लग रही होगी। लेकिन तुम लोग अभी जो मेरे साथ गलत हो रहा है आवाज नहीं उठा रहे ना, तुम लोग की औलादों के साथ, तुम लोग के साथ जिस दिन गलत होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तो हुआ नहीं ना, आवाज ना उठा। हाँ हो तो रहा है, लेकिन तो सगी बुआ की बेटी के साथ हुआ। घर में पड़ी है वो, एक हाँ महीने बाद छूट गई छूट गई। मेरी मौसेरी बहन, 7 साल बाद छूट के घर में। लेकिन यही लोग अच्छे, यही लोग सगे, पता नहीं क्या दिमाग है क्या है, मतलब ये किसी की लड़की नहीं है, तुम्हारी लड़की तुम्हारी लड़की है ना। बिल्कुल अबे तुम्हें सालो, अगर इतने ही अच्छे हो तुम लोग और हमारी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो पीछे से विरोध क्यों करते हो? सामने से हम तो करो। शुरू से कह रहे हैं आओ बैठो, सामने आके बात करो, अगर तुम लोग इतने ही सही हो तो सामने आओ, सामने बैठो बात करो, तब तो पता चलेगा। चलो, लेकिन मुझे अब तो पता है मैंने ना, गाइस, किसी को अवैध कब्जा करवाना हो तो साक्षी अजितेश से कांटेक्ट करें। बहुत बड़े कब्जेदार हैं हम लोग, कब्जेदार, शर्म नहीं आता है। कब्जे अरे यार तो तुम्हारे जूता बाप घिस कर रहे रहा हैं, है। पिछवाड़ा घिस रहे हैं हम लोग, एक ना एक दिन सबको ऊपर वाला कृपा कर ही देगा। नहीं, अब तो अवैध कब्जा कर रखा है तो वो कब्जा ही है हाँ भाई। जो वो कहते हैं ना कि अगर इल्जाम झूठा लग रहा है तो जो लग रहा है वो कर लो। तो हमने तो भैया कर लिया, अब अवैध कब्जा, बात खत्म। अपने घर पे अवैध कब्जा कब से होने लगे अजदेश? अगले अवैध कब्जा तो कह रहे हैं, अवैध कब्जा, और उल्टा हमें धमकाते हैं कि किसी दिन तुम्हें ही दुनिया से बेदखल। ये तो लाइन लगा और दी। सबसे कड़ी बात यह है कि पिताजी तुम बाप हो कि पाप हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अपने लड़के का नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए, उसकी ऐसी तैसी करने के लिए, उसको घर से निकालने, हमियों का पड़ोसियों का सहारा ले रहे हो हाँ, तुम दोनों पड़ोसी, का, हैं ये दोनों पंडितों का तुम सहारा ले रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भगवान यार। करे तेरी बड़ी वाली लड़की, मैं तो यही बोलूंगी तेरी बड़ी वाली लड़की के साथ भी यही हो भोपाल। अरे नहीं क्यों हुआ नहीं था? तुम्हारे भैया बाप तुरंत गाड़ी लेके चले गए थे, उन्होंने फोन करके कह दिया था मेरा पति पापा कहीं और बात करने लगा है। हमारा जीजा सेठ पुराने मोहब्बत के पास चला गया था, हाँ। जो हमारे जीजा जी हैं ठाकुर साहब, कहाँ रहते हैं वो, भोपाल, भोपाल भोपाल। वाले। हाँ, हम तो ऐसे ही खोलेंगे, जब तुम हम पे ऐसे इल्जाम लगाओगे तो तुम कौन से तो दूध के वो पल्ले हो अपनी सबके पुरानी पास। मोहब्बत के पास चले गए थे, मेरी बहन की जिंदगी तबाह होने वाली थी, तभी मेरे भैया और मेरे पिताजी यहाँ से जूम तुरंत पहुंचे, हाँ पंचायत बैठा दी तुरंत, हाँ और पता यहाँ नहीं क्या सेटलमेंट करके आए। और हमें तो कानो कान खबर नहीं होनी थी, क्योंकि उस समय हम थे कुंवारे, उन्हें पता था कि अगर अभी को पता चलेगा तो ये भोपाल में जाके बवाल करेगा, इसलिए मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलने दिया, चुपचाप जा करके अपना निपटाया है। अरे यार तो अपने घर का भी चुपचाप ही निपटा देते, ये वीडियोस बनाने की नौबत क्यों आती, खुद की कुछ अच्छी सी इमेज बनाते,
हमारे सब्सक्राइबर्स के सामने चैनल में आते हैं, लोग गाइस ये मेरे पिताजी देखिए कितने स्मार्ट हैं, 65 की उम्र में भी कितने स्मार्ट हैं, मैं इस तरीके से बताता हूँ। नहीं तो उसको सब्सक्राइबर से कहाँ मतलब है, तुम्हारे ननिहाल है जो उनसे मतलब है, तो वो बनाए हुए हैं तुम्हारी मौसी विधायक जी और तुम्हारी। अरे क्या बोलूं यार, तुम सब अगर इतने ही अच्छे हो या जो भी हो तो तुम सामने आओ बैठो बात करो। भोलेनाथ कसम, तुम लोग जो बदनाम करते हो ना कि गाली बकते हैं, हम तो कह रहे हैं कि तुम लोग भी अपने कैमरे चालू कर लेना, और हम तो भैया करेंगे ही, तब बैठ के बात कर लो कि कैसे क्या है। अगर तुम लोग को इतना ही जो तुम सबको बरगलाते हो कि हम लोग बात करने की जगह गाली देते हैं। हम सभी का जीवन बेहद कष्टवद हो गया है, हमारे साथ कभी भी कोई बड़ी घटना ये पति पत्नी कार्य करवा सकते हैं। ऐसे भी लिख दिया है? हाँ ऐसा भी लिखा है। तो तुम घर से क्यों निकलते हो जब इतना डर है तुम्हें? इनके कोई काम नहीं रुक रहे हैं, किसी का अपना मतलब तो घर नवरात्रि चल रहे हैं। हाँ, तुम रोज दारू पीने का काम, रोज मुर्गा मीट खाने का काम, जब तुम्हें इतना डर है, तुम्हारे साक्षी जीते जितने बड़े दुश्मन है, तो पैक हो जाओ, खुद को घर के अंदर कैद कर लो, धरना दो कप्तान साहब के जाके जाओ। तो तुम्हारी लड़की रात में 12-12 बजे टहलती है पड़ोसन के साथ, तो तुम्हारी लड़की को कोई खतरा नहीं है। तुम्हारा लड़का रात में बड़ा वाला 3-3 बजे 4-4 बजे दारू पी के आता है, गाड़ियों पे पत्थर पड़वाता है, तो खतरा नहीं है। अरे शर्म कर ले नायक, लोग कहते तो बहुत बुरा है कि तू ससुर से कैसे बोलती है, ये देख लो ना ससुर क्या लिखवा रहा है। अतः प्रार्थना है कि उक्त अजितेश व साक्षी के अवैध कब्जे से हमारा मकान मुक्त करवाकर दुर्व्यवहार से हमारी रक्षा करने की कृपया करें। यो फिर मैं खा जाऊंगी तुम्हारा ये व्हाइट हाउस छोड़ के। तुमको कहाँ जाना है, तुमने तो कब्जा कर रखा है। हाँ सॉरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो रहा है, मैं तो भूल जाती हूँ एक्चुअली गाइस। मैंने तो अवैध कब्जा कर रखा, अवैध। बुढ़ापे में बेचारे परेशान चल रहे, मुझे तरस आ रहा है अपने दादा, मतलब दादाजी तो आपने देखा होगा वीडियो में, दादी पे तरस आ रहा है, पिताजी पे तरस आ रहा है। और वो वीडियो में क्या क्या कहता, चिंता मत करो मेरा भाई, चिंता मत करो, छत नहीं छीनेंगे तुमसे। गाइस इनके चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब, ध्यान है ना वो वीडियो जो तुम लोग कह रहे हो बड़ा भाई सही है। उसके बाद ऑडियो नहीं सुननी बड़े भाई की, गाली दे रहा था अपने भाई को। हराम जादो जो कमेंट करते हो ना कि बड़ा भाई सही है, तुम्हें उसकी असलियत नहीं पता है। देखो ब्लॉग्स पड़े हुए हैं भी, कैसे हम लोग को गुमराह करके कि नहीं छत नहीं छीनेंगे, जवाब नहीं देंगे। लेकिन तुम्हें छत नहीं छीनेंगे तो इतनी सारी एप्लीकेशन दे दी, पड़ोसी तक से लिखवा दिया कि इनसे घर खाली करवाओ, पड़ोसी करवाएगा। जो मर्द से पैदा है बुरी लगेगी, मर्द की पेशाब से पैदा है, वो मेरे सामने आकर के ये बात कहे कि इन लोगों ने कब्जा कर रखा है और ये मकान खाली करवा दो। जितने तुम लोगों ने ये झूठे बयानबाजी और एप्लीकेशन दी है ना, चिंता मत करो, उसकी ऑडियो वायरल करना सीला वाली कि कैसे लेके आया था उस औरत को। अबे तुम लोग की मारू लगाएंगे, सुनो मेरी बात, तो जो सरकारी गनर है ना ये पहले गवाही देंगे कि इन लोगों ने हमला करा, समझ रहे हो? तो ये हमारे रिश्तेदार नहीं है, ये सरकार की तरफ से सुरक्षा प्राप्त है। तभी तो यो चोरी छुपके कर रहे थे, तभी तो हम तक पुलिस नहीं आ रही थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि हमारे पास तो जरा सरकारी सुरक्षा है, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे खुल के करते तो रायता फैल जाता है। बिल्कुल फैल जाता रायता, अब छुपे छुपे भर रहे हैं। बताओ कैसा है ना नायक, शर्म नहीं आती? और नायक की चलो लड़कों का तो एक बार को समझ में आता है, लड़कियां भी बहुत धन्य है यार। बताओ कैसे, हे भगवान क्या बोलूं, आंटी जी खाना खा लीजिए आंटी जी। और थोड़े दिन पहले और फिर मम्मी जी के लिए स्टेटस डालती है फेसबुक पे। और हाँ, तुम तीनों से लक्की लवी और शवी मेरे भाई बहनों सुन लो, आज के बाद मैंने ये देख लिया कि तुम मम्मी के प्रति प्यार दिखा रहे हो, फोटो डाल रहे हो, मतलब जो हमारी रियल मदर है कि तुम्हारी याद आ रही, ये आ रही है, तो जिंदा वीडियो बना बना के गाली बकूंगा, चाहे चैनल पे स्ट्राइक आ जाए। अबे शर्म कर लो, अब जिसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया, अभी अभी गई है गाइस वो घूमने गाड़ी में बैठ के, बाप गए हैं और वो सेकंड मदर गई है और वो मेरी बहन गई है, कोई शायद वो मेरी पता नहीं क्यों टैक्सी से गए, स्कॉर्पियो देखो नहीं रही, शायद बेच उच दी है, कुछ दूसरी ले रहे होंगे, तो तीनों गए अभी स्विफ्ट आई है बुक होके, ठीक है, वो मैंने अभी एक वीडियो डाली उस पे देख लेना, वो मेरे आईडी पे अजितेश कुमार वाली। आप नहीं हो तो हम खाना कैसे, अबे कैसे कर लेते हो तुम लोग ये सब, हैं? उसके साथ बैठ के दूसरी वाली के साथ घर में बैठ के
खाना खाते हो, ठीक है, वो बाप के बिस्तर पे सोती है, 10 बजे दरवाजा बंद हो जाता है, तुम लोग को ये शर्म नहीं आती है कि वो गेट बंद हो गया, सो रहे हैं कैसे? और जब कम से कम ये कह दिया करो, या मेरे बाप में इतनी शर्म होनी चाहिए कि भाई जब मेहमान उमान आए हुए हैं घर में तो थोड़ा सा लिहाज कर ले। नहीं भाई, दूसरी होती है बस, ऐसा समझो, तुम लोग को बुरी लग रही हो चाहे अच्छी लग रही हो, और जब पीछे तुम लोग उसे इतना बुरा भरा कहते हो तो पिताजी के सामने क्यों नहीं कर पाते हो वो चीज? अरे मैं भी तो कह रहा हूं, विरोध करो। और दूसरी चीज, तुम्हें पिताजी इसलिए पुचकार के रखते हैं कि तुम तीनों हम दोनों के फेवर में ना आ जाओ। बिल्कुल, लवी और शबी सुनो, तुम्हें फेवर, तुम्हें खर्चा पानी, जब तुम कहते हो कि गाड़ी बेच दो पिताजी, तो गाड़ी भोपाल जा रही है, गाड़ी दिल्ली जा रही है, छोड़ने भी जा रही है, देखो हमें इन चीजों से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम लोगों की हर बात इसलिए मानी जाती है, तुम्हारे लिए पैसों से मुंह बंद इसलिए रखा जाता है कि तुम पिताजी के खिलाफ चले गए तो सारी कहानी खराब हो जानी है ना, इसीलिए हमसे और बुराई कराई जा रही है। तो फिर, और मुझे पता है कि तुम में से कोई एक आध उन्हें समझाता भी होगा कि घर का मैटर निपटा लो, तो वो तुम्हें पता है कि वो तुमसे भी बुराई मानने लगेंगे मेरे पिताजी। खैर, वीडियो हो गई लंबी, आपको कुछ कहना हो तो कह दो, और जैसे जो कहना हो कहते रहना, मैं कमेंट बंद करना शुरू करूंगा वीडियोस के, तभी तुम लोग ऐसी हाथ पैर थड़ पड़ाते रहना। तुम लोग शुक्रिया अदा करो हमारा कि हमने तुम्हें भौंकने के मौके दिए हैं जो हमारे नेगेटिव कमेंट वाले हैं, लेकिन हम इसलिए कमेंट ऑफ नहीं करते हैं क्योंकि जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, वो बेचारे कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन लोगों के पास एक ऑप्शन और है कि वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं और व्हाट्सएप पे ढेर सारा प्यार दे देते हैं, जिनको पढ़कर हमको बहुत खुशी। नेगेटिव जो कमेंट करते हैं भाई, तुम जो वहां लिखते हो ना, हमारे व्हाट्सएप पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया करो, नंबर नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं, कर दिया करो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नहीं नहीं डालेंगे नंबर, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, हम बहुत अच्छे हैं दोनों। तो चलिए, अब वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो दो पार्ट में आनी चाहिए अभी से क्योंकि लंबी हो गई है। और गाइस, वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए, कल वाली वीडियो भी आप लोगों ने 2-4 मिनट ही देखी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि बात होते 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 लास्ट में हम लोग कुछ ना कुछ आप लोग को ऐसे बताते हैं कि जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है, यही रीजन है। तो मेहरबानी कीजिए और आई लव यू, और कमेंट लो बैटरी हो गई। कमेंट की वीडियो आएगी और जल्दी एक धमाकेदार कमेंट रिएक्शन ब्लॉग लाने वाले हैं हम लोग। तो जो भी हैं कमेंट कर रहे हैं, धुआं निकाल दीजिए। मैं चाहती हूँ, प्लीज, ये आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो प्लीज अपनी प्रोफाइल पिक्चर का यूज करिए ना, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं ना दुनिया के लिए, समाज के लिए, तो आप अपना चेहरा छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? हम तो बहुत गंदे हैं फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, आप अपना चेहरा छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? आप भी डीपी लगाइए और अच्छे अच्छे गंदे गंदे कमेंट करिए। तो चलिए, अपनी वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी वीडियो पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे आशीर्वाद देते रहें ताकि मैं अपना व्हाइट हाउस पे कब्जा जमाए रखूं, ठीक है, अवैध कब्जा, सॉरी। बाय गाइस, लव यू ऑल। अजितेश, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, बाय।